अगर हम बॉल वॉल्व की के केस में बात करें तो इसके केस में जो मेन आपका सीलिंग कंपोनेंट होता है वो बेसिकली एक बॉल होती है ये देखिए आप थोड़े डायग्राम को गौर से देखिए इधर से आपका फ्लूड आ रहा है ये बीच में आपकी एक बॉल्व लगी हुई है और ये देखिए ये बॉल्व आपका बंद हो गया ऊपर वाले हैंडल को जैसे ही आप रोटेट करते हैं ये बॉल्व आपकी नाइनटी डिग्री के एंगल पे घूमती है और ये जो पाथवे है पाइप का ये क्लियर हो जाता है और मटेरियल यहां से वहां तक ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है सो फ्रेंड्स अगर हम बॉल वॉल्व की बात करते हैं तो बॉल वॉल्व के केस में इसकी जो सेट ऑफ कैपेबिलिटी है वो काफी अच्छी रहती है मीनस ये जब आप बंद करते हो तो लिक्विड की सीलिंग काफी अच्छी करती है सेकेंड ये नाइनटी डिग्री टर्न पे ये वॉल्व आइदर कंप्लीटली क्लोज होता है या फिर कंप्लीटली ओपन होता है थर्ड इज इट्स रिकमेंडेड ओनली फॉर फुली ओपन एंड क्लोज पोजिशन इसको बेसिकली रिकमेंड किया जाता है आइदर फुली ओपन आप इसे यूज कीजिए या फिर फुली क्लोज इसे थ्रोटर करके मत यूज कीजिए में क्या रहता है कि जो इसकी वॉल्व की सीट रहती है ये डेमेज ये होने के चांसेज रहते हैं और फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आपको जानना जरूरी है कि ये जो वॉल्व है ये लेस एक्सपेंसिव रहता है सो फ्रेंड्स बॉल वॉल्व केस में बेसिकली आपको ये याद रखना है कि इसमें जो मूविंग एलिमेंट रहता है वो एक बॉल के सेप का अंदर रहता है और वो नाइन्टी डिग्री के एंगल पर रोटेट करता है तो आपका फ्लूड का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह होता है देखिए बॉल के बीच में होल है जैसे ही आप की में आए आपका पानी मूव करना शुरू कर दिया बेसिकलीपन so, और फुलर किया जाता है डैमेज के के होने के चांसेस रहते हैं फ्रेंड नेक्स्ट हम बात करते हैं गेट वॉल्व की सो so, फ्रेंड्स अगर गेट वॉल्व की बात करते हैं तो इसमें डायग्राम इस को आप कायदे से देखिए यह आपका एक गेट है एक गेट जैसा एलिमेंट है ये जब नीचे था तो पूरा आपका फ्लो बंद था जैसे ही आपने ऊपर वॉल्व ऑपरेट किया ये गेट आपका ऊपर की तरफ मूव किया और आपका लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होना शुरू कर गया सो फ्रेंड्स इसका जो मेन एडवांटेज रहता है गेट वॉल्व का ये 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 रहता है कि इसमें प्रेशर ड्रॉप काफी कम मिलता है प्रेशर ड्रॉप इसमें नेगलिजिबल रहता है सेकेंड एडवांटेज ये रहता है कि इसे बेसिकली रिकमेंड किया जाता है या जा तो आप इसे फुली ओपन कंडीशन में यूज कीजिए या फिर फुली क्लोज कंडीशन में बिकॉज पार्सल ओपन कंडीशन में इसकी जो ये वॉल्व सीट है ये बेसिकली डैमेज होने के चांसेस रहते हैं एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इसमें सट ऑफ आपको काफी अच्छा मिलता है गेट वॉल्व केस में सो so फ्रेंड्स इसमें याद रखने वाली बात की ये जो एक आपका गेट जैसा है ये बेसिकली ऊपर नीचे मूव करता रहता है आपके वॉल्व के एक्शन के हिसाब से ये इस डाइग्राम में आपको आराम से क्लियर हो जाएगा फ्रेंड नेक्स्ट वॉल्व जो हमने बेसिकली देखा है वो प्लग वॉल्व इसमें आप देखेंगे तो जो मूविंग एलिमेंट है जो अंदर मूव करता है वो बेसिकली एक प्लग सेप का रहता है ये भी 90 डिग्री में इधर फुली ओपन होता है या फिर फुली क्लोज होता है इसमें शर्ट sort ऑफ of आपको अच्छा खासा मिलता है बट इस केस में प्रेसर ड्रॉप ठीक ठाक होता है सो so फ्रेंड्स याद रखिएगा प्लग वॉल के केस में जो बेसिक अंदर का स्ट्रक्चर है वो एक प्लग सेप का रहता है नाइन्टी डिग्री में इधर ये फुली ओपन होता है या फिर फुली क्लोज होता है बट इस केस में हमें सिग्निफिकेंट प्रेसर ड्रॉप मिलता है सो so फ्रेंड्स ये प्लग वॉल्व के बारे में जानकारी थी फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिकली चेक वॉल्व फ्रेंड्स चेक वॉल्व ओनली वन डायरेक्शनल वॉल्व रहते हैं चेक वॉल्व या फिर इसे हम एनआरवी भी बोलते हैं नॉन रिटर्नेबल वॉल्व इसमें जो मोशन होता है वॉल्व का वो एक ही डायरेक्शन में मटेरियल आपका फ्लो कर सकता है कभी भी बैक नहीं आ सकता इस डायग्राम को आप गौर से देखिए जैसे ही मटेरियल आया ये वॉल्व ओपन किया और मटेरियल इससे फ्लो होने लगा इसके बाद में जैसे ही मटेरियल इससे चला जाएगा ये वॉल्व आगे के लिक्विड के प्रेशर की वजह से यह वॉल दोबारा बंद हो जाएगा सो फ्रेंड्स इट अलॉयज चेक वॉल्व या फिर एनआरवी इट एनआरवीज लिक्विड टू पास ऑनली इन वन डायरेक्शन ये लिक्विड को खाली एक डायरेक्शन में पास होने देता है नो रिवर्सल ऑफ फ्लो पॉसिबल इसमें फ्लो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता यह याद रखिएगा ओनली यूनिनेशनल फ्लो होता है थर्ड एनी रिवर्स ऑफ फ्लो विल क्लोज द वॉल्व अगर कभी भी रिवर्स फ्लो होना चाहेगा तो ये आपके वॉल्व को क्लोज कर देगा फोर्थ एंड पॉइंट वॉल्व एक्टिवेटेड बाई प्रेशर ऑफ द फ्लूड जो भी प्रेशर इसमें आ रहा है उस फ्लूड के प्रेशर की वजह से आपका जो वॉल्व है वो वॉल्व ऑपरेट करता है और आगे जो फ्लूड चला गया उसके बैक प्रेशर की वजह से आपका वॉल्व बंद होता है सो so फ्रेंड्स याद रखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज चेक वॉल्व के बारे में चेक वॉल्व चेकवाल नॉन रिटर्नेबल वॉल्व ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो के ही यूज किया जाता है जहां पे आपको खाली वन डायरेक्शन फ्लो चाहिए हो वहीं पे हम चेक वॉल्व यूज करते हैं और ये ऑपरेट होता है आपका जो लिक्विड उससे मूव कर रहा है उसके पैसर की वजह से फ्रेंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है बटरफ्लाई वॉल्व फ्रेंड्स बटरफ्लाई वॉल के, के में आप देखेंगे तो बीच में एक सर्कुलर प्लग जैसा एलिमेंट रहता है जिसको आप ऊपर से वॉल्व रोटेट करते हैं तो वो पूरा का पूरा प्लग आपका रोटेट होता है फ्रेंड्स इसमें सेम फिन है 90 डिग्री के रोटेशन पे इधर ये वॉल्व आपका फुली ओपन होता है या फिर फुली क्लोज हो जाता है फ्रेंड्स इसका सबसे मेन एडवांटेज ये रहता है कि इसकी जो बॉडी रहती है ये काफी छोटे सेप का रहता है आप देखिए काफी पतला वॉल्व है तो ये जो पाइप में है आपकी काफी कम जगह लेता है बॉडी इट रिक्वायर्स वेरी लेस लेस स्पेस प्रेशर ड्रॉप देन कंपेयर टू ग्लोब देखिए इसका एक ये देखिए ये, ये बीच में एक सीट जैसी एलिमेंट है आपने वॉल्व मूव किया तो जैसे ही ये सीट आपकी रोटेट हुई आपका पानी फ्लो होने लगा फ्रेंड्स ये देखिए ये पूरा बंद है ये आपने ऊपर से वॉल रोटेट किया आधा वो मूव किया और आपका मटेरियल फ्लो चालू हो गया सो फ्रेंड्स बटरफ्लाई वॉल्व केस में

लिक्विड के प्रेशर की वजह से मूव करता है सिमिलरली इस डायफ्रोम वॉल में है ये देखिए ये एक डायफ्रॉम लगा हुआ है यहां से लिक्विड आ रहा है जैसे ही उस लिक्विड का प्रेशर ये देखिए लिक्विड आया जैसे ही उसका प्रेशर यहां पे पड़ा ये डायफ्रॉम आपका मूव किया और मटेरियल आगे ट्रांसफर होना शुरू हो गया इसके बाद में जैसे ही ये मटेरियल ट्रांसफर हो जाएगा डायफ्रॉम वॉल्व बंद हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए इट यूजेज अ पिंचिंग मैथड टू स्टॉप द फ्लो यूजिंग फ्लेक्सीबल डायफ्रोम इसमें ये मैंने आपको समझाया कि लिक्विड के प्रेशर से ऑपरेट होता है वॉल कम्पोनेट्स इसका मेन एडवांटेज ये रहता है कि जो वॉल के कंपोनेंट्स हैं लाइक ये स्टेम हो गया जो कंपोनेंट्स है ये बेसिकली इस डाइफ्रोम की वजह से अगर ये मटेरियल आपको क्रोजी हुए तो उसके टच में नहीं आते हैं तो वो नहीं डैमेज होते हैं ये इसका मेन एडवांटेज रहता है एंड थर्ड इसका डिसएडवांटेज फ्रेंड्स क्या रहता है कि इट्स नॉन सूटेड फॉर हाई टेम्परेचर फ्रूट्स हाई टेम्परेचर फ्लूट्स के केस में डाइफ्रोम वॉल सूट नहीं करता है बिकॉज काफी चांस होते हैं कि डाइफ्रोम वॉल का आपका डाइफ्रोम जो है वो हाई टेम्परेचर केस में लीकेज कर जाए सो फ्रेंड्स डाइफ्रोम वॉल में आपका बेसिकली डाइफ्रोन रहता है जो पानी के प्रेशर से मूव करता है इसका मेन एडवांटेज आपकी जो वॉल की बॉडी है स्टेम एंड अदर पार्ट्स ये कभी भी फ्लूड के कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं और निगेटिव थिंग इज दैट हाई टेम्परेचर केस में आपका जो डाइफ्रोन वॉल्व है उसका डाइफ्रोम खराब हो सकता है ये इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज है फ्रेंड अब बात करते हैं ग्लोब वॉल की फ्रेंड ग्लोब वॉल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको बेसिकली हम शोर्टल वे में यूज कर सकते हैं अगर कहीं पे भी आपको होटल वे में मटेरियल को एक जगह से मतलब मीन्स थोड़ा कंट्रोल करना है मटेरियल का फ्लो तो ग्लोब वॉल्व इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर कंट्रोलिंग बट इसका डिसएडवांटेज ये रहता है कि ग्लोब वॉल्व केस में जैसे आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा इस तरीके का है कि इसमें आपका पानी का जो है वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है सो so इस केस में फ्रेंड्स आपको हाई प्रेशर ड्रॉप मिलता है बट इसकी सेट ऑफ कैपेबिलिटी काफी अच्छी है अगर ये वॉल्व आपने पूरा बंद कर दिया तो लीकेज होने का चांसेस या फिर पास होने का चांसेस बिल्कुल ना के बराबर रहता है बट so इसकी सेट ऑफ कैपेबिलिटी ज्यादा अच्छी है हमारा नाइफ एंड गेट वॉल्व फ्रेंड अगर जैसे कि मैंने आपको गेट वॉल्व बताया नाइफ एंड गेट वॉल्व के केस में उसमें आपका एक गेट जैसा रहता है वो मूव करता है इसमें वो गेट बेसिकली आपका एक नाइफ सेप का रहता है ये ये, ये एक रोटेट ये आपका एक सर्कुलर सेप की नाइफ़ रहती है वो नाइफ़ नीचे की तरफ मूव करती है और ये पूरा का पूरा जो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ सर्कल ये पूरा का पूरा सर्कल ये वॉल्व अभी ओपन कंडीशन में है ये पूरा का पूरा बंद हो जाता है फ्रेंड्स इस वॉल्व को बेसिकली यूज किया जाता है एफ्लुएंट स्लरीज सेमी सॉलिड्स या फिर बल्क पाउडर्स में इसका जो मेन डिस एडवांटेज है वो ये है कि फ्रेंड्स ये वॉल्व जो है ये बेसिकली आपका लीक प्रूफ नहीं होता है इसमें कुछ ना कुछ पास होने के चांसेस हमेशा पॉसिबल रहते हैं फ्रेंड्स एक और इसका एडवांटेज ये है कि इसे बेसिकली लार्ज पाइपलाइंस में प्रेफर किया जाता है बस डिस खाली इसका यही है कि ये आपका लीक प्रूफ नहीं रहता है और बेसिकली इसको स्लरी सेमी सॉलिड्स या फिर बल्क पाउडर्स में ही प्रेफर किया जाता है फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं निडल वॉल्व के बारे में निडल वॉल्व को बेसिकली ये आप डायग्राम गौर से देखिए जैसे ही आप ये ऊपर का वॉल्व रोटेट करेंगे ये जो छोटी सी निदल है ये निदल आपका नीचे बैठ जाएगी और आपका जो भी मटेरियल फ्लूड है जो भी इससे फ्लो कर रहा है या एयर है

प्रेसर रिलीफ वॉल्व फ्रेंड इस डायग्राम को गौर से देखिए यहां पे जैसे ही आपका प्रेशर आता है ये वॉल्व आपका ओपन होता है फ्रेंड्स प्रेसर रिलीफ वॉल्व को बेसिकली तब यूज किया जाता है ये आपका जो इतने भी सेफ्टी डिवाइसेस रहते हैं पीआरवी बेसिकली उन्हीं में लगाया जाता है प्रेशर रिलीफ वॉल्व ये देखिए ये जैसे ही प्रेशर आता है ये आपको स्प्रिंग ऊपर की तरफ मूव करती है और ये आपका ऑपरेट करने लगता है सो so, फ्रेंड्स इसको बेसिकली सेफ्टी इक्विपमेंट के यूज में के uh, टाइप में यूज किया जाता है और बेसिकली इसको रिएक्टर्स में लगाया जाता है ताकि आपका कभी भी अगर आपके रिएक्टर में ओवर प्रेशराइजेशन हो जाता है तो आपका रिएक्टर डैमेज ना हो और आपका जो भी है रिएक्टर सेफ हो जाए जो भी मटेरियल है वो बाहर की तरफ हाई प्रेशर आपका बाहर की तरफ रिलीज हो जाए फ्रेंड्स इसमें या जैसे यहां से आपका हाई प्रेशर आया ये आपका वॉल ऊपर की वॉल ऊपर की तरफ मूव की स्प्रिंग आपका दब गया और यहां से मटेरियल आपका बाहर की तरफ निकलने लग जाएगा फ्रेंड्स याद रखिएगा भी हमारा कोई भी रिएक्टर हमारा डैमेज ना हो और कोई बड़ा, बड़ी कैजुअलिटी बड़ा एक्सीडेंट ना हो उसके लिए हम प्रेसर रिलीफ वॉल्स हमेशा यूज करते हैं बड़े एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए एज ए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेंड्स so, होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा आज मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्स के बारे में बताया कि किस तरीके के वॉल्व को बेसिकली हम कहा प्रेफर करते हैं किस वॉल्व का क्या एडवांटेज है, है और किस वॉल्व का क्या डिसएडवांटेज है कितने अच्छा so के तरीके केमिकल रिएक्टर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन उनमें जो रिएक्शन होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं और आपका सेकेंड इज एमओसी के बेस पे अगर हम देखें तो लगभग कितने तरीके के एमओसी के रिएक्टर्स पॉसिबल है सो so फ्रेंड्स अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप अपने फ्रेंड से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए टिल देन गुड बाय हैव अ नाइस डे